पे डिपेंड करती है। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है या इसका प्रोसेस क्या होता है या किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है बेटा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन को। अब देखिए बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है कि हम दो कॉइल्स लेते हैं, जिस तरह से हमने देखा था बेटा सेल्फ इंडक्शन में कि जब हम किसी भी कॉइल को चेंजिंग करंट देते हैं तो उस कॉइल के अंदर उसका अपना करंट जो चेंज होता है, उसका अपना जो फ्लक्स चेंज होता है, उसके अपने फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो अपने फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ऐसे जो है वो प्रोसेस को या इसी चीज को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है कि हमारे पास दो कॉइल्स होती है, ठीक है, और उन दो कॉइल्स में से हम एक कॉइल को करंट देते हैं और उस एक कॉइल को करंट देने की वजह से उसका जो फ्लक्स होता है वो दूसरी कॉइल के अंदर चेंज होता है। तो अगर एक कॉइल को हम दें और दूसरी कॉइल के अंदर हम लें तो ऐसी फिनामिना जो होती है उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। अब म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है बेटा, इसके अंदर बेटा इस तरह से हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, इस तरह से बेटा, ठीक है, इस तरह से सपोज करें ये बेटा हमारे पास एक कॉइल है और दूसरी कॉइल बेटा इस तरह से हम इसके सराउंडिंग में रखते हैं बेटा, इस तरह से सराउंडिंग में रखते हैं बेटा। अब इसमें एक कॉइल को आप कह लें कि एक कॉइल जो हमारे पास होगी बेटा इसको कह लें आप प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको हम कहेंगे बेटा प्राइमरी कॉइल, और इसको हम कहेंगे बेटा कि ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल बेटा। एक हमारे पास है प्राइमरी कॉइल और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब वैसे प्रैक्टिकली ऐसे नहीं किया जाता है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसे होता है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकली ऐसे होता है, प्रैक्टिकली ये चीज ऐसे होती है बेटा। इसके दो तरीके होते हैं, क्या होते हैं कि इस तरह से बेटा एक फ्रेम होता है, ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन फ्रेम होता है बेटा। इस तरह से प्राइमरी इसके ऊपर दी जाती है या सेकेंडरी इस तरह से ली जाती है, या ऐसे भी होता है बेटा कि हम इस तरह से एक फ्रेम लेते हैं बेटा और फ्रेम के अंदर इस तरह से बेटा एक सेंट्रल विंग होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा प्राइमरी कॉइल इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हैं और सेकेंडरी कॉइल जो होती है बेटा वो इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे किया जाता है बेटा, दो कॉइल्स को इस तरह से एक फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है या एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया जाता है, ठीक है बेटा। प्रैक्टिकली ऐसे हम बनाते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है बेटा कि सपोज करें हम प्राइमरी को देते हैं बेटा, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसको हम देते हैं बेटा एसी करंट, ठीक है, और एसी करंट आपको पता है बेटा एसी करंट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो एसी करंट के अंदर जो चार्जेस होती है बेटा वो वाइब्रेट करती है। ये पहले ही हमने डिस्कस किया है कि एसी करंट का बिहेवियर क्या होता है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस से। लोड रेजिस्टेंस का मकसद है बेटा के जो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास स्टेबलाइजर होता है बेटा, स्टेबलाइजर के अंदर दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल जो बाहर से करंट आता है वो प्राइमरी में जाता है, एक सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी के अंदर रेफ्रिजरेटर हम कनेक्ट करते हैं, तो जो हम ये कनेक्ट करते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है बेटा। या जो है वो गली का ट्रांसफार्मर होता है बेटा, गली के अंदर वापडा का ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर दो कॉइल्स होती है, प्राइमरी के अंदर बेटा वो देते हैं और सेकेंडरी के अंदर हमारे घरों का कनेक्शन होता है। तो जो सेकेंडरी होती है बेटा वो हमें
बाहर करंट देती है, और जो बाहर चीज कनेक्ट होती है उसको लोड कहा जाता है। टेलीविजन कनेक्ट करें, बल्ब कनेक्ट करें, घर की पूरी लाइटें कनेक्ट करें, तो ये लोड कहलाता है। अब इसमें प्रोसेस कैसा होता है बेटा, देखिए आपको पता है बेटा कि ये जो होता है ये एसी करंट होता है, इसकी पोलरिटी ये पॉजिटिव करें ये निगेटिव करें। इसका मकसद है पहले इसमें करंट इस तरफ फ्लो करेगा बेटा इस तरह से, और इसके करंट की वजह से इसकी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये इसकी बेटा आपको के अंदर प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबलाइजर के अंदर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होती है। गली के अंदर जो बेटा घर जो शहरों के अंदर, गांव के अंदर, गलियों के अंदर जो वापडा का ट्रांसफार्मर लगा होता है बेटा, उसके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन होती है। ग्रिड स्टेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन होती है। मोबाइल के चार्जर के अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन होती है, और मुख्तलिफ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी चीजें जिनके अंदर सर्किट होता है और वो एसी करंट लेती है, जैसे टेलीविजन होती है या इस तरह की मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं, उनको जब डायरेक्ट हम एसी करंट देते हैं तो उनके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस करता है बेटा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया है बेटा। अब इसके अंदर प्राइमरी के अंदर देते हैं और हम लेते किसमें, सेकेंडरी के अंदर। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ईएमएफ इन सेकेंडरी, यहाँ पे आपके बुक के अंदर 2 किया गया है। तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। बेटा इस कॉइल के अंदर जितनी तेजी के साथ करंट चेंज होगा इसके अंदर, उतनी ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगी बेटा। या ईएमएफ इन सेकंड जो होती है बेटा माइनस होती है। माइनस किस वजह से होती है बेटा, माइनस होती है ड्यू टू द लेंजेज लॉ। इसके अंदर अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर इसे उल्टा जाएगा, क्योंकि ये काज है और ये इफेक्ट है बेटा। ये इस आपको पता है कि प्राइमरी के अंदर देते हैं, प्राइमरी की वजह से इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर करंट बनता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा लेंजेज लॉ क्या कहता है। लेंजेज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस काज को अपोज करता है जो राइज करता है। यहाँ पे काज है बेटा प्राइमरी, और इफेक्ट कौन सा है, सेकेंडरी। तो मीन्स सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा प्राइमरी से अपोजिट डायरेक्शन लेगा बेटा। तो बेटा ये इस तरह से प्रोसेस को आप इस तरह से कह सकते हैं। दूसरी बात बेटा कि इन दोनों कॉइल्स के अंदर सेल्फ इंडक्शन भी होती है, ऐसा नहीं कि इन कॉइल्स के अंदर सिर्फ म्यूचुअल होगी, क्योंकि ये दोनों कॉइल्स है, दोनों के अंदर अपना फ्लक्स भी चेंज होगा। तो बेटा इनके अपने फ्लक्स चेंज होने की वजह से इन दोनों कॉइल्स के अंदर बेटा सेल्फ इंडक्शन भी होती है, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होती। इन दोनों कॉइल्स के अंदर क्या होती है बेटा, सेल्फ इंडक्शन भी होती है। तो ये आप कर सकते हैं बेटा कि माइनस एम डेल्टा आई वन अपान डेल्टा टी, बेटा आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे बेटा ये जो एम होता है, एम होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मकसद क्या है बेटा, कि इन दोनों के अंदर कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है, कि कितनी बेटा इंडक्शन होती है। अगर बेटा प्राइमरी को आप 220 देते हैं और सेकेंडरी के अंदर बेटा अगर 10 वोल्ट बनती है, तो ये इनको कहा जाता है कि बेटा इसके अंदर जो इंडक्शन होती है वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो वो किसको बेटा जाहिर करता है, एम। एम मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस होती है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि जो किसी भी कॉइल की एबिलिटी, कि जब उसके अंदर अपना फ्लक्स चेंज होता है तो अपने फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर जो सेल्फ इंडक्शन होती है वो ज्यादा होती है या कम होती है, तो कॉइल की ऐसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है,
ऐसी एबिलिटी को सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह बेटा, अगर हम एक कॉइल को दें और दूसरी कॉइल के अंदर लें, तो दोनों कॉइल्स के अंदर कितनी इंडक्शन होती है, वो प्रॉपर्टी जो कॉइल्स की होती है उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेम फैक्टर ऑन व्हिच सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। बेटा जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है, उन्हीं फैक्टर के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। और एक सिंध बोर्ड के अंदर बात लिखी हुई है बेटा कि भले आप प्राइमरी ये रखें, ये सेकेंडरी, और इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है। अगर आप सेकेंडरी को प्राइमरी बना दें और प्राइमरी को सेकेंडरी बना दें, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर इन दो कॉइल्स की 1 हेनरी है, तो भले लेफ्ट साइड प्राइमरी हो, राइट साइड सेकेंडरी हो, या राइट साइड सिर्फ प्राइमरी हो और लेफ्ट साइड सेकेंडरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस कॉइल को आप प्राइमरी बनाते हो, किस कॉइल को आप सेकेंडरी बनाते हो, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। इनके अंदर कोर मटेरियल जैसे ये है ना, ये किस मटेरियल के ऊपर बनी हुई है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट वही है जो सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। तो इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं, इसका यूनिट हेनरी होता है। तो अब बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ इज इक्वल टू एन टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। बेटा ये जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, फेराडेज लॉ कहता है वो ईएमएफ इंड्यूस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बेटा माइनस एन टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा बेटा। ठीक है, कैंसल होगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एम डेल्टा आई इज इक्वल टू एन टू डेल्टा फाइव। बेटा करंट प्राइमरी के अंदर होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हुई हमारे पास बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसकी बेटा हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बेटा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग जो होती है बेटा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कहा गया है कि इफ टू कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर देन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। ठीक है बेटा, अगर दो कॉइल्स हैं और एक दूसरे के वो क्लोज पड़ी है बेटा, अगर दूर होंगी तो नहीं होगा। डिस्टेंस मैटर करता है बेटा। डिस्टेंस किस तरह से मैटर करता है कि अगर डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस अगर ज्यादा रखोगे तो प्राइमरी का फ्लक्स जो होगा बेटा वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच सकता। तो जरूरी है दो कॉइल्स के लिए कि अगर वो इंडक्शन म्यूचुअल करेंगी, तो उनके लिए जरूरी है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो, ताकि प्राइमरी का फ्लक्स किसमें जा सके, सेकेंडरी के अंदर जा सके। तो ये डिस्टेंस भी मैटर करता है इंडक्शन के अंदर बेटा। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द अदर एंड सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट, द इफेक्ट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। ऐसे इफेक्ट को क्या कहा जाता है, ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है बेटा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या किन चीजों पे डिपेंड करती है, ये दिया गया है बेटा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बेटा ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट देते हैं और ये बेटा रियोस्टेट है और ये क्या है बेटा वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है और वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट है बेटा। ठीक है, क्योंकि रियोस्टेट भी बेटा वेरिएबल रेजिस्टर होती है। प्राइमरी के अंदर हम करंट चेंज करेंगे तभी उसका फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि हम सोलिनाइड के अंदर पढ़ के आए हैं कि सोलिनाइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पे। अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा। फ्लक्स, अब इसका एक और मतलब भी होता है कि इंडक्शन कभी भी डीसी की वजह से नहीं होती। अगर प्राइमरी को आप डीसी दोगे
तो डीसी तो होता है बेटा स्टेडी करंट, तो डीसी का फ्लक्स तो जाएगा सेकेंडरी के अंदर, लेकिन वो फ्लक्स कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फ्लक्स की वजह से बेटा इंडक्शन नहीं होती, इंडक्शन हमेशा चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से होती है। तो इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी के अंदर आप पल्सेटिंग करंट दो, या तो आप डीसी देते हो तो आप रियोस्टेट लगाओ जो डीसी को चेंज करे, या सिंपली एसी दे दो, और मोस्टली दिया एसी जाता है। इंडक्शन हमेशा एसी से होती है, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो। रियो स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल जो दिया हुआ है उसको डिस्कस करना है। प्रैक्टिकली हमेशा इंडक्टर वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे एसी करंट होता है, या इंडक्टर को एज अ रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ठीक है आप डीसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा जो इंडक्शन होती है, प्राइमरी को एसी दिया जाता है और सेकेंडरी के अंदर लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हुई बेटा। अब इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल इज डिफाइंड बाय, बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है वो एम होती है, वेयर जी टू इज द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, और डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी के अंदर जो करंट चेंज होता है सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है। वेयर एम क्या होती है बेटा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स एम एज द सेम वैल्यू, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहेंगे, एम एज द सेम वैल्यू नो मैटर व्हिच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द कॉइल इज टेकन टू बी एज टेकन टू बी द प्राइमरी। आप किसी को भी प्राइमरी बनाए, इसको प्राइमरी बनाए इसको सेकेंडरी बनाए, अगर इनकी अंदर इनके नंबर ऑफ टर्न सेम है, इनके डायमेंशन सेम है, इनके अंदर मटेरियल सेम है, अगर आप प्राइमरी लेफ्ट रखें सेकेंडरी राइट रखें और इनकी सेल म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी है, तो भले आप इसको प्राइमरी बना दे इसको सेकेंडरी बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्त यह है कि इसके डायमेंशंस चेंज ना करें, इनके नंबर ऑफ टर्न चेंज ना करें और इनके अंदर मटेरियल चेंज ना करें। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी, इसके बाद फार्मूला दिया हुआ है बेटा, N2 ∅2 इज इक्वल टू MI होगा बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखता हूं मैं अगर पंजाब के पेजेस हैं तो वो मैं पढ़ लेता हूँ कि पंजाब के पेजेस अगर हैं तो काम आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब के पेजेस हैं बेटा इसके अंदर बड़े, ठीक है। ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग है बेटा, ये पेजेस का मसला हो रहा है बेटा, पेज आ नहीं रहे हैं। पेज पढ़ा तो है लेकिन पेज आ नहीं रहा स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए बेटा ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको कि ये हमारे पास बेटा म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा, ठीक है। अब ये देखें म्यूचुअल इंडक्शन इसके अंदर भी कहा गया, कंसीडर टू कॉइल्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर, बेटा दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट कही गई है कि उनके दरमियान डिस्टेंस अगर क्लोज होगा, बेटा ये जो कॉमन पॉइंट्स होती है ना जो दो दो तीन बुक्स के अंदर होती है, इन पॉइंट्स के टेस्ट के अंदर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कॉमन चीजें होती है बेटा। वन कॉइल कनेक्टेड विथ अ बैटरी थ्रू स्विच एंड अ रियो स्टेट इज कॉल्ड द प्राइमरी, बेटा ये रियो स्टेट किसके साथ कनेक्टेड है, प्राइमरी के साथ कनेक्ट, क्योंकि प्राइमरी के अंदर चेंज करेंगे जो सेकेंडरी के अंदर हो। इन द अदर वन कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द सेकेंडरी, इफ द करंट इन द प्राइमरी इज चेंज बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, बेटा प्राइमरी के अंदर अगर करंट चेंज करेंगे किससे चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस से, ऑफ द रियो स्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स सराउंडिंग रीजन में चेंज होगा और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटा। यार पेज अच्छे कौन पे होता है, पेज मसे लोग करे भी अच्छे कौन पे स्क्रीन पे,
कि भाई पेज जेके मर्ज थे हैं, सिंध जो है पंजाब जो भाई पेज पाण में मर्ज थे हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें कोई इतनी ज्यादा जो है वो कोई इतनी चेंज नहीं है पंजाब के अंदर, तो बेटा उसको पंजाब को छोड़ते हैं, क्योंकि पेज दोनों मर्ज हो गए हैं सिंध के और पंजाब के, इसलिए पेज जो है वो क्लिक एक हो रहा है और आ रहा है दूसरा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा आगे नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। ये मेंशन नहीं है बेटा, ये पीएमसी के सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये बेटा बीच में आ जाता है, ऐसे टॉपिक्स के बीच में आ जाता है जो टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस के अंदर हैं, तो बेटा इसलिए मैंने ये टेस्ट में भी शामिल किया और आपको फिर भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स के बीच में आता है जैसे इंडक्शन और मोशनल ईएमएफ के दरमियान आ जाता है। तो जिस तरह से बेटा 17 चैप्टर के अंदर ड्यूल नेचर है, लेकिन सारे टॉपिक्स उसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो इसी तरह हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज ऐसा मसला हो। और दूसरी बात, पंजाब के अंदर नहीं है लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे लाइंस के अंदर थोड़ी बहुत चीजें ऐसी लिखी हुई है जो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग के बारे में है, इसलिए बेटा छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट की बात है, उसको कर लेते हैं ताकि ये जो है वो आपके माइंड में चीजें रहे, फिर अगर कोई भी ऐसी चीज आ सकती है तो फिर वो जो है वो आपको इतना मसला ना हो बेटा। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बेटा, ठीक है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मकसद है बेटा कि कॉइल्स इन विच करंट, चेंजिंग करंट डज नॉट प्रोड्यूस सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट बेटा। ये बेटा ऐसी वाइंडिंग होती है जिनके अंदर करंट तो चेंज होता है, लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म की इंडक्शन नहीं होती। अब बेटा ये कैसे हो सकता है कि किसी कॉयल के अंदर करंट भी चेंज हो और उसके अंदर इंडक्शन ना हो? ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सपोज करें मैं कॉयल लेता हूं बेटा, और इस कॉयल के अंदर अगर मैं करंट चेंज करूं और करंट के चेंज होने से अगर इसके अंदर इंडक्शन ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? बेटा देखें, अगर इसके अंदर करंट चेंज करेंगे तो करंट चेंज होने से इसका अपना फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम इसी कॉयल को इस तरह से करें बेटा, इसी कॉयल को अगर हम इस तरह से बेटा डबल फोल्ड करें, डबल फोल्ड कैसे करें बेटा, इस तरह से आप देखें, अगर इसको इस तरह से हम लें, इस तरह से अगर हम इसको डबल फोल्ड कर दें बेटा, मैं इसका दूसरा पार्ट किसी और कलर से बना देता हूं, अगर इसको बेटा डबल फोल्ड कर दें इस तरह से, डबल फोल्ड करके कॉइल बनाते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे सिंगल फोल्ड किया बेटा। सिंगल फोल्ड में क्या होता है, एक साइड नॉर्थ बनती है, एक साउथ होती है और फ्लक्स इसमें चेंज होता है, लेकिन जब आप डबल करते हो ना बेटा, तो एक से करंट जाता है, जैसे रेड कलर में करंट जा रहा है बेटा, ठीक है, रेड कलर के अंदर इस तरह से जो है वो ब्लैक के अंदर करंट जा रहा है बेटा, तो ये करंट किस तरह से होगा बेटा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से करंट बेटा होगा, ठीक है, और ये करंट यहां से इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये करंट वापस कहां से आएगा बेटा, ये करंट जो होगा वापस आएगा यहां से बेटा, ये करंट ब्लैक में से इस तरह से घूमता हुआ करंट कहां पे आएगा बेटा, घूमता हुआ करंट यहाँ पे आएगा और यहां से वापस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेटा अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये करंट बन जाएगा। तो बेटा देखें, एक साइड से जा रहा है, एक साइड से वापस आ रहा है, तो बेटा ये वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो एक का बेटा अगर नॉर्थ बनता है
तो बेटा इसका जो है वो क्या बन जाएगा, इसका साउथ बन जाएगा, और यहाँ पे अगर नॉर्थ बनता है तो इसका बन जाएगा बेटा इस तरह से साउथ। ठीक है, तो इस तरह से डबल फोल्ड करने से बेटा ये होगा कि वायरें जब एक दूसरे के क्लोज होंगी तो उन वायरों के अंदर एक में करंट डाउनवर्ड होगा, दूसरे में अपवर्ड होगा, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और जिसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि नॉर्थ और साउथ जब एक दूसरे के सामने होंगे तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के अंदर कैंसिल हो जाएंगी, और नतीजा ये होगा कि ऐसी कॉयल के अंदर अगर आप करंट चेंज भी करोगे तो भी उसके अंदर फ्लक्स नहीं बनेगा, जब फ्लक्स नहीं बनेगा तो इंडक्शन नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ऐसी वाइंडिंग, ऐसी कॉयल जिसके अंदर करंट चेंज करने से भी उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस ना हो, तो ऐसी जो है वो कॉयल को नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कहा जाता है। और नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग किस तरह से बनाई जाती है बेटा, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग जो बनाई जाती है बेटा वो विद द हेल्प ऑफ वायर्स को डबल एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके बनाई जाती है। तो इस तरह से डबल अगर करके फोल्ड करके बनाते हैं तो इनके नॉर्थ साउथ एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, नतीजा ये निकलता है कि बेटा इसके अंदर इंडक्शन नहीं होती। अब ये काम कहाँ पे आती है बेटा, ये मसला करती है, ये ब्रिज सर्किट्स होते हैं बेटा, ये चैप्टर 15 आप सबका पढ़ा हुआ है, जाहिर है अपने पास यहाँ पे नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। ब्रिज सर्किट्स आपने पढ़ा है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर बेटा इस तरह से चार रेजिस्टर लगाते हैं, पी आरम होती है, क्यू आरम होती है, आर आरम होती है, एस आरम होती है, और यहाँ पे हम लगाते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर। और आपको पता है बेटा जब हम इसको करंट देते हैं तो आपको अगर फंडामेंटल प्रोसेस पता है व्हीट स्टोन का, अगर आपने 15 चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है बेटा कि इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करते हैं, और रेजिस्टेंसेस को चेंज करने से इसमें करंट चेंज होता है, और करंट जब चेंज होता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होती है बेटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो चेंज होती है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसको असर करती है बेटा, गैल्वेनोमीटर को या एक दूसरे को अफेक्ट करती है, और नतीजा ये निकलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इंडक्शन कर देती है और इसकी रीडिंग मुतासर हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिज सर्किट्स बेटा जो होते हैं रेजिस्टेंस मेयरिंग होते हैं, वहां पे ये जो इंडक्शन होती है ये इंडक्शन मसला करती है, तो इस मसले को हल करने के लिए कॉइल्स को डबल फोल्ड किया जाता है, डबल फोल्ड करके इंडक्शन के असरात को बेटा खत्म किया जाता है। इसको भी बेटा मैं सिंपली रीड कर लेता हूं कि इसके अंदर जो है ये क्या होता है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, बेटा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग है इन ब्रिज सर्किट सच एज यूज फॉर रेजिस्टेंस मेयरिंग, बेटा ये ब्रिज सर्किट्स होते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज नाइसेंस, बेटा नाइसेंस का मकसद है ऐसी चीज जो आपकी रीडिंग में मसले पैदा करे। व्हेन द गैल्वेनोमीटर की ब्रिज इज क्लोज्ड, बेटा आपको पता है ब्रिज सर्किट के अंदर दो कीज होती है, एक यहाँ पे की होती है, गैल्वेनोमीटर की होती है, जब कीज को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करता है। अब ये पैरा 15 चैप्टर जिसका नहीं पढ़ा हुआ उसको नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा बेटा। इन द आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा इसके अंदर करंट रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कैसे होते हैं जब इनको एडजस्ट करते हैं बेटा। अनलेस द ब्रिज हैपेंस टू बी बैलेंस्ड, बेटा ब्रिज बैलेंस होने तक करंट चेंज होता रहता है, और जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो करंट कांस्टेंट होता है। While the currents are being redistributed, these are changing and the self induction delays the reading of new equilibrium. और self induction reading को delay कर देती है। Then the galvanometer deflection at the instant of the closing key does not correspond to steady state which the bridge will eventually reach. It may therefore be misleading. तो इसके अंदर galvanometer की reading बेटा एक जैसी नहीं रहती। To minimize बेटा अगर इसको कम करना है, टू मिनिमाइज देयर सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल्स ऑफ द ब्रिज एंड रेजिस्टेंस बॉक्सेस आर सो वुंड एज टू सेट अप एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए जरूरी है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स को रिड्यूस किया जाए। द वायर इज डबल्ड, बेटा ये मेथड है कि किस तरह से कम किया जाता है, बैक ऑन इटसेल्फ बिफोर बीइंग कॉइल्ड अप एज शोन इन द फिगर।
such a coil is said to be non-inductive. In this type of winding, current flows in the opposite direction in the double wires. बेटा ये double wire से बनी हुई है, इनके अंदर current opposite direction में flow करता है. And consequently, the magnetic flux set up by the one wire is neutralized by that due to the other wire. बेटा ठीक है, इसको आप कह ले outer wire को आप other wire कर ले. एक वायर का इफेक्ट दूसरी वायर क्या करती है, कैंसल करती है. Hence, self-induced EMF will not be produced when the current through the circuit. ऐसे के अंदर अगर करंट चेंज भी होता रहेगा तो भी सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक के अंदर करंट बढ़ेगा तो दूसरे के अंदर भी बढ़ेगा, सेम ही करंट है. तो बेटा इस तरह से करंट चेंज होने से भी इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. ठीक है, तो बेटा इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास है जो है वो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बेटा. ठीक है, अब बेटा कल डिस्कस करेंगे हम एसी जनरेटर और मोशनल ईएमएफ. जिसको एसी जनरेटर और मोशनल ईएमएफ पढ़नी है बेटा वो कल क्लास ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉपिक्स आज मैंने नहीं बताए थे एसी जनरेटर के बारे में या मोशनल ईएमएफ के बारे में, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं. तो बेटा कल उन दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और संडे को हम करेंगे डिस्कस आखिरी आपका टॉपिक जो होगा वो ट्रांसफार्मर को, संडे को इंशाल्लाह डिस्कस हम कर लेंगे. फिर आपका ये शेड्यूल जो होगा इसकी रिवीजन कंप्लीट होगी. ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आपकी जो है वो ट्यूसडे को है, तब तक इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा. ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज वगैरह और जो भी केपीके की, पंजाब की, सिंध की, ये मैंने पहले ही आपको भेज दी थी बेटा शुरू में ही. इसकी सारी एक्सरसाइजेस वगैरह ये मैंने आपको भेज दिए, फिर भी मैं देखता हूँ आज आपको रीसेंड कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे और कुछ बच्चों ने शायद डिलीट कर दिए, तो वो भी आपको मैं वापस भेज देता हूँ. ठीक है, अब कल डिस्कस करें.